ऐसे कैसे हो सकता है कि इफ़ी मियां हमारे साथ हो और हम इनसे इनकी शायरी ना सुने? सर कोई ताज़ा कलाम अगर आपने लिखा हो तो प्लीज़ कीजिए। शायर दी जेब च पैसे हो ना हो शेर जरूर होंगे। कोई तुमसे है परेशान जरा देख तो लो, ऐसे होते हैं मुसलमान। कोई तुमसे है परेशान जरा देख तो लो, ऐसे होते हैं मुसलमान। जरा देख तो लो, इज्जत नफ्स को लोगों की कुचल डाला है और बने बैठे हो अनजान। जरा देख क्या बात, क्या बात, क्या कहने। तुमको भेजा है मोहब्बत के लिए धरती पे और तुम हो गए हैवान। जरा देख तो लो, वाह क्या कहने, क्या कहने। दर्द लिखते हो मगर पढ़ नहीं सकते चेहरे, दर्द लिखते हो मगर पढ़ नहीं सकते, मगर पढ़ नहीं सकते चेहरे। तुम तो हो साहिब ईमान, जरा देख तो लो। वाह वाह वाह, तुम तो हो साहिब ईमान, जरा देख तो लो। और आखिरी शेर है कि कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे, कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे। मत करो ऐसा मेरी जान, जरा देख। इफ़ी मियां ने ये जो सियालकोट, सानिया सियालकोट हुआ है, उस तरफ इनके कलम ने बहुत बड़े आईना दिखाया है हम सबको, और इसमें जो तंज है, जो तकलीफ है, उसको महसूस करने की ज़रूरत है। देखें मुझसे लोग क्यों जुड़ गए, जब मैंने पॉजिटिव कंटेंट बनाना शुरू किया, जहन में सिर्फ इतना था कि पेंडेमिक है यार, लोग हर बंदा कह रहा कोरोना हो गया, हम घर में हाथ नहीं मिलाते थे किसी से। जी जी। मैंने रमज़ान में वॉक करता हूँ, तो मैंने पहले रमज़ान को एक छोटी सी वीडियो बनाई, मैं सोच रहा था बगैर मास्क के पार्क के अंदर चलता हुआ एक बंदा इनको कैसा लगेगा जो कोरोना की बात नहीं कर रहा। 7,000 लोगों ने देखा, करते करते आज 7.5 लाख पे पेज क्यों आ गया। मुझे बड़े लोगों ने डीमोरलाइज किया था, ओ यार की कर रहे हैं फलां पे कर ले, करंट मैं तो करंट पे फिर भी बात भी नहीं करता, क्यों मेरे पीछे क्यों लोग आए हैं, इफ्तिखार अहमद उस्मानी के पीछे क्यों आए हैं। पॉजिटिव बात करनी है, मोहब्बत की बात करनी है। आप जो ये जो लोग हैं बड़े बहुत बड़े लोग हैं, बेशक ये हमें हंसने का मौका, आपकी टीम का बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह पाक की किस्मत, अल्लाह की किस्मत हो रही है। सुनो लोगो, सुनो सर, आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, खुदा की कसम जो मेरा कलम नहीं कर सकता, 100 वीडियोस बना के नहीं कर सकता, वो आप एक 7 सेकंड की जुगत के अंदर वो करते हैं भपती कस के, कि हम प्लेयर फील करते अच्छा, हैं। अच्छा एक और बात बताइए। नहीं वैसे गलती, मैंने खुशी है, देखो शायर साढ़े किडे अजीम लोग हो गए ने और माशाल्लाह सौखे भी हो गए ने, नहीं तो आज तो 20-30 साल पीछे जाके शायरों को देखो, ए होटलों ते अक्सर लिखा नहीं होता फजूल बैठना मना है।